अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेर अब्दुल रजाक है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करने के लिए और साथ साथ पेपर में इंग्लिश का पेपर जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का मॉडल पेपर किस तरह होगा और पेपर में उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। बिल्कुल स्टार्ट से बात करते हैं, इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके मार्क्स होंगे 100 और टाइमिंग इसकी आपको पता है 3 आवर्स। और सबसे पहले सेक्शन ए जिसमें 20 MCQs होंगे और ये 20 MCQs आपके प्रो सेक्शन से भी होंगे, पोएट्री सेक्शन से भी होंगे, 2-1 प्लेस की आपकी बुक है वहाँ से भी होंगे और साथ साथ ग्रामर के भी कुछ MCQs होंगे, 20 MCQs होंगे इसके, राइट। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ हम जाते हैं। सेक्शन बी कुल मार्क्स इसके होंगे 50 मार्क्स जिसकी इंस्ट्रक्शन आप गौर से देख लीजिए। Attempt 10 questions from this section. मतलब सेक्शन बी में आपको 10 questions करने हैं और साथ साथ at least 2 questions from each subsection. हर subsection से 2 question आपको करने हैं। साथ साथ answer should not exceed 6 sentences और आपका answer जो वो 6 sentences से ज़्यादा ना हो। पहला subsection 1 intermediate English book 1 ये आपका pro section होगा जिसमें आपको 4 questions पूछे जाएंगे। यहां से आपको 2 क्वेश्चन करने क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ई सबसेक्शन। इस सबसेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने और फिर इसके बाद दूसरा सबसेक्शन है सबसेक्शन 2 सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस पार्ट 2 को लिखा हुआ है जिसको पार्ट 1 कर देते हैं। सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्सेस पार्ट 1 ये आपकी पोएट्री की बुक है जिसमें से आपको 4 ही के क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके 4 क्वेश्चन होंगे। तीसरा सबसेक्शन जो कि होगा 2-1 प्लेस की बुक से इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चन करने, आपके टोटल क्वेश्चन 6 हो गए, 2 प्रोज सेक्शन से, 2 पोएट्री सेक्शन से और 2 जो है वो प्ले के सेक्शन से। इसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने सबसेक्शन 4 से जो ग्रामर का सेक्शन होगा, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। बाकी सब सेक्शन बाकी तमाम सबसेक्शन में 4-4 क्वेश्चन है और आपको 2 करने, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ग्रामर की तरफ थोड़ा सा नजर डालते हैं। करेक्ट द एरर और ओमिशन ऑफ वर्ब आर्टिकल प्रीपोजिशन मींस आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे उसमें या तो वर्ब जो है वो रॉन्ग होगा या तो आर्टिकल लगाना होगा या तो प्रीपोजिशन लगाना होगा, ये सेंटेंस देखकर आपको जो है वो सही करना होगा इसको। इसके अलावा यूज एनी 3 पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, आपको कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स किस तरह से आप इसको कह सकते हैं, होमोफोन्स भी कहलाते हैं। होमोफोन्स वो वर्ड्स यानी कि जिनकी साउंड तो सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग उनके मीनिंग और उनकी स्पेलिंग जो डिफरेंट होती है। पेयर ऑफ वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से कर लेते हैं कि जैसे एक वर्ड है देयर और इसी तरह एक दूसरा वर्ड है देयर, अब इनका साउंड जो है वो सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। ऐसे आपको 3 पेयर उठाने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जामिनेशन पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 यानी कि आपको जो है वो इस तरह के पैरों का पिक करने और फिर उनके सेंटेंसेस बनाने। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक वर्ड है अलाउड और इसी तरह का इसका एक और पैर बन सकता है, एक और वर्ड बन सकता है अलाउड, अगेन साउंड सेम है लेकिन दोनों की स्पेलिंग और दोनों की मीनिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको इस तरह के टोटल 3 पैर्स आपको पिक करने और उनके सेंटेंसेस बनाने। नेक्स्ट है आपका ग्रामर का तीसरा सेक्शन, तीसरा क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स और फ्रेजेस, आपकी बुक में से आपको मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स दिए जाएंगे और क्या आपको मीनिंग्स लिखने हैं इसमें। तो अब अगर हम देखें तो क्या हमारा जो सेक्शन बी की पहली रिक्वायरमेंट है मुकम्मल हुई या नहीं हुई, चलिए चेक कर लेते हैं। हमें इसमें से 10 क्वेश्चन करने और हर सब सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने, हमने अपनी पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको करने, यहाँ से 2 क्वेश्चन करने, यहाँ से 2 क्वेश्चन करने, यहाँ से 2 क्वेश्चन करने, मतलब चारों सबसेक्शन से आपने 2-2 क्वेश्चन कर लिए, टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 8, बट यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन का क्या तरीके का होगा, आपने 2-2 क्वेश्चन कर लिए, अब आप जो वो 2 क्वेश्चन कहीं भी इन चारों सबसेक्शन से कोई भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ से करने के बाद बाकी जो 2 आपके रह गए वो दोनों आप यहाँ से भी कर सकते हैं या 1 यहाँ से और 1 किसी और सेक्शन से भी कर सकते हैं या 2 किसी भी एक सेक्शन से कर सकते हैं, बट टोटल आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं और इस तरह से करने हैं कि हर सब सेक्शन से आपके 2-2 क्वेश्चंस हो जाएं, राइट। इसके बाद सेक्शन सी होगा जिसके टोटल मार्क्स होंगे 30, 3 क्वेश्चंस होंगे और तीनों के 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं है।
पहला क्वेश्चन होगा राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, और फिर इसके बाद आपको एक टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर आपको लेटर लिखना होगा। हाँ, लेटर के अंदर एक चॉइस है, या तो आप लेटर करें या तो स्टोरी करें, आपको वो एक टॉपिक दे दिया जाएगा टेट फॉर टेट या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसके ऊपर आपको स्टोरी लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 120 वर्ड्स, मतलब इसमें ऐसे राइटिंग कहते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, आपको 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, 5 सेंटेंसेस होंगे उर्दू में, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर, और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर जो गाइडेंस मिल चुकी है आपको। थैंक यू सो मच।